दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देखे लोग, आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा मैगी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो जैसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, चलो आगे की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कढ़ाई हो चुकी गर्म, अब हम इसमें डालते हैं ऑयल। तो अभी हम ज़्यादा ऑयल नहीं खा रहे हैं, तो कम ही ऑयल डालते हैं, कितना भी कम नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया, वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे, इसमें हम ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाल रहे हैं, बट फिर भी टेस्टी बने। प्याज हम इसमें डाल रहे हैं, ये मीडियम साइज ओनियन है, एक प्याज है पूरे। अब इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज हमारे हो चुके हैं, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हाफ ग्राइंड रखना है। अब इसमें हम जो है हरी मिर्ची डाल रहे हैं, ये 2 से 3 हरी मिर्चियाँ हैं, और एक हमने मीडियम साइज टमाटर लिया है, टमाटर को हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हम चलाएंगे बढ़िया, थोड़ी देर तक इसको चलाएंगे ताकि ये ग्राइंड हो जाए। इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि मसाले में, मैगी मसाले में ऑलरेडी रहता है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का सा नमक डालेंगे। और इसमें हम रेड चिली भी डालेंगे। तो इसमें 1/4 चम्मच मैंने जो है रेड चिली डाली है, और कुछ नहीं डालूंगा इसमें। और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे कलर के लिए, 1/4 टीस्पून। चलाएंगे अच्छे से, हम इसको चलाएंगे बढ़िया करके ताकि ये ग्राइंड हो जाए। देन इसमें हम मैगी मसाला भी डालेंगे। अब हम इसमें जो मैगी मसाला डालेंगे, हमारे जो मसाले थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसमें 2 मैगी हैं, तो 2 मसाले मैंने लिए हैं, मैगी मसाले जो साथ में आते हैं इसके, और एक मैं अलग से लाया था, वो भी मैंने मैगी मसाला इसमें डाला हुआ है, ताकि हमें अलग से और मसाले इसमें नहीं डालना पड़े। इसको अच्छे से हम चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम पानी डालेंगे ताकि पक जाए मसाला। थोड़ा कम पानी है, मैंने 1 गिलास ले लिया, आधा गिलास और लेता हूँ। अब इसमें सफिशेंट वाटर हो चुका है, तो चलाएंगे बढ़िया, लो फ्लेम कर देंगे ताकि सूप टाइप का बनता रहे। और आपको पता है, ये अंडा मैगी बन रही है, जब तक ये थोड़ा सूप टाइप का बनता है, हम अपना अंडे का प्रोसेस भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ ही साथ। अपने अंडे के लिए अब इसमें तेल डाल रहे हैं थोड़ा सा। अब ये बिल्कुल अलग स्टाइल में मैगी बना रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा जो बाहर स्ट्रीट फूड में मैगी बनाते हैं, अंडा मैगी बिल्कुल घोट के रख देते हैं, उसमें अंडा डालते हैं। अब मैं क्या है, इसमें भुजी टाइप का अंडा बनाऊंगा, देन उसको उसमें डालूंगा मैं। तो दोस्तों, अब ऑयल हमारा हो चुका है, इसमें मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिसमें मैंने 1/4 चम्मच मैंने मिर्ची डाली है, और 1/4 नमक डाला, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में है पड़ा हुआ। इसका हम भुजी बना लेते हैं, इसमें बिल्कुल अलग स्टाइल बनेगा ये। अब इसको हम अंडा भुजी टाइप का बना लेंगे बिल्कुल, अब साइड बाई साइड, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारी मैगी भी बनती रहेगी। तो देखो, ये सूप टाइप को ऑलरेडी हो चुका है, अब इसमें मैगी मैंने डाल दी थी, पानी डालना है। तो हमने मैगी डाल दी इसमें, अब ये लो फ्लेम पे होती रहेगी जब तक कि हम अपना अंडा तैयार करेंगे, इसको कवर कर। तो अंडा, जैसे कि हमने बताया था, अंडा हमारा बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं मैगी बनने तक का। मैगी अभी बन रही है, 2 मिनट का वेट करते हैं, 2 मिनट के बाद हम दोबारा चेक करेंगे मैगी, देन आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, हम चेक करते हैं अपनी मैगी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है बन चुकी है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, अभी थोड़ा सूप इसमें ज़्यादा है, तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, हमारी अंडा मैगी तैयार। तो गाइज, अब मैगी हमारी प्रॉपर हो चुकी है, देखो जैसा मैंने बोला था, 2 से 3 मिनट में मैगी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब जो है हम इसमें अंडा डालेंगे 1 मिनट में। तो गाइज, अब इसको हम सर्व करेंगे, बट आपको लग रहा होगा कि अंडा मैगी का टाइटल है, लेकिन ये सादा मैगी है, ऐसा नहीं है। अभी हम इसमें अंडा भी इसमें मिलाएंगे आपके सामने, बिल्कुल इसमें अंडा मिला।
ये है हमारा अंडा जो कि हमने फ्राई किया था, इसमें हम अंडा ऐड कर देंगे सारा। तो इस तरीके से हम जो है अपनी अंडा मैगी तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर आएगा अंडा, और लगेगा भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको लगे कि अंडा इसके अंदर घुट गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल आपको अंडा दिखेगा इसमें। और इसमें हम धनिया डालेंगे जो कि बिल्कुल अच्छा फ्लेवर देगा धनिया। आप इसको जो है सॉस के साथ भी खा सकते हैं, नॉर्मली भी आप इसको खा सकते हैं। दोस्तों अब ये है बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए, बिल्कुल टेस्टी लग रही है, खाएंगे। और आप बताना बना के कि वीडियो में कैसे लगी आपको मैगी की डिश, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए।